आपका मेरे इस YouTube चैनल में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करना। इससे पहले वीडियो में हमने आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए सीरीज एंड पैरेलल के रिलेशन एक्सप्लेन किए थे। आज हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये हमको रेजिस्टेंस का एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है ए और बी, सी और डी। इसमें ये रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, सारे रेजिस्टेंस आपके 10 ओम के हैं। इस सर्किट की सहायता से, इस डायग्राम की सहायता से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे होंगे कि इस सर्किट में डिफरेंट टाइप से हम सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे ए और बी के बीच ज्ञात कर सकते हैं, ए और सी के बीच ज्ञात कर सकते हैं, हमने लिख रखा है, ए और डी के बीच हम ज्ञात कर सकते हैं, बी और सी के बीच हम ज्ञात कर सकते हैं, डी और बी के बीच ज्ञात कर सकते हैं। जहां पर बात है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, डी और सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर होगी, ए और सी के केस में और डी एंड बी के केस में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी। तो हम यहां पर केवल ए और बी के बीच, ए एंड सी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखिए बच्चों, ये सर्किट हमको गिवन है, जब हम ए और बी के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो उस कंडीशन में करंट जो फ्लो होगी वो ए यहाँ से होते हुए ये और बी की तरफ चलेगी। उस कंडीशन में इन आर्म में जो सी और डी आर्म है ये किसी भी सिरे से कनेक्टेड नहीं है, तो इनमें करंट फ्लो नहीं होगी। यानी क्या होगा, ये रेजिस्टेंस करंट फ्लो होने में भाग नहीं लेंगे क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है। इस कंडीशन में इनमें करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसमें भी करंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होगी। अब देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, ये यानी इनको हम हटा सकते हैं। दिस सर्किट का जो ये इस फॉर्म में अब सर्किट होगा, इस बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आप क्या क्या है सीरीज में, तो R1 is equal to R1 plus R2 plus R3, R' is equal to 10 plus 10 plus 10, R' is equal to 30 ohm। ये जो वैल्यू है वो हमको कितनी मिल गई, 30 ohm। यानी ये रेजिस्टेंस बन गया हमारा 30 ohm का, ये रेजिस्टेंस क्या हमारा 10 ohm का, ये रेजिस्टेंस क्या हमारा 10 ohm का, ये रेजिस्टेंस हमारा क्या है बेटा 10 ohm का। तो ये हमारे 10 ohm के 10 ohm के रेजिस्टेंस हो गए, तो ए बन गया और बी बन गया। अब इस सर्किट में टेक्निक लगा लें, एक साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, वैसे हम दो लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम सीधे सीधे करें, R is equal to, इसको मान लें हम R1, इसको मान लें हम R2, इसको मान लें हम R3, इसको मान लें हम R4। देखिए R1 plus
आर टू पैरेलल आर थ्री प्लस आर फोर। तो सीधे सीधे ये वैल्यू हो जाएगी आपकी आर इज इक्वल टू टेन प्लस, ये हो जाएगा आपका फार्मूला टेन इंटू थर्टी डिवाइड बाई थर्टी प्लस टेन प्लस टेन। आर इज इक्वल टू टेन और प्लस टेन ट्वेंटी प्लस थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई फोर्टी, थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई फोर्टी, ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी प्लस डिवाइड करेंगे 7.5 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी आर इज इक्वल टू। तो रेजिस्टेंस आर बराबर आ जाएगा 27.5 ओम। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 27.5 ओम के बराबर होगी। ये क्वेश्चन आईआईटी में दो बार पूछा गया है। अब ये वैल्यू तुमने बच्चों फाइंड कर ली, अब हमको क्या करना है, ए और सी के बीच की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए क्या करना है, ए और सी के बीच फाइंड करनी, तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास था, ये रेजिस्टेंस यानी ये सी पॉइंट ये 10 ओम था। इस तरीके से ये अब वर्किंग स्टेट में आ गया। तो ए से सी वर्किंग स्टेट है, ये बी क्या है, इसमें कोई सिरा कनेक्टेड नहीं है, तो ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो सर्किट हमारा जो इक्विवेलेंट का जो डायग्राम है रेजिस्टेंस का, वो हमारा ये होगा। इस कंडीशन में देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पर आपको देखिए एक व्यूट स्टोन ब्रिज प्राप्त होता है, और इस व्यूट स्टोन ब्रिज की सहायता से हम रेजिस्टेंस आर की वैल्यू ज्ञात कर लें इसके और इसके बीच। तो ये देखिए यहां से निकालें हम आर, वन इज इक्वल टू टेन यानी टेन प्लस टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी, इसके बीच निकाल लें आर टू बराबर हो जाएगा टेन प्लस टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी, ये हो जाएगा आपका 20 ओम, और ये भी क्या हो गया आपका 20 ओम। उस कंडीशन में ये पोजीशन होगी ये डिस्पोजिशन, ये पोजीशन हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका ए और ये बन जाएगा आपका सी, 10 20 20 10 ओम। अब देखिए ये क्या है हमारे, दोनों पैरेलल है, ये क्या है हमारे सीरीज, तो तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में होंगे। तो देखिए किस तरह से हम लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 10 प्लस, ये दोनों क्या है पैरेलल, 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 20 प्लस 20 प्लस आपका ये क्या हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 400 डिवाइड बाई 40 प्लस 10, 10 बन जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 आर, आर बना बन जाएगा आपका 30 ओ। तो ये क्या है आपका, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बच्चों ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें ए और बी पॉइंट के मध्य ज्ञात करना है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब आप देखिए इस सर्किट को देखने से क्या लगता है, अगर इस पॉइंट को हम इधर ले आए, इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट यानी यहां से ये दिस पॉइंट ये आपस में क्या है कनेक्टेड है,
इतना हिस्सा अलग कर दीजिए। देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, ये हिस्सा हमने अलग कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं। ये देखिए अब आपको क्या लग रहा है, ये क्या है, एक ही पॉइंट से जुड़े हैं, यहां पर भी क्या है एक ही पॉइंट से जुड़े हैं, ये क्या अलग है। तो ये तीनों क्या है आपके पैरेलल में, और ये क्या आपका सीरीज में, तो ये बन गया। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, तो ये कितना है 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, और ये क्या है आर ओम। तो ये क्या है आपके पैरेलल में, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 1/6 + 1/6 + 1/6 + दिस, यानी कि हो जाएगा 1/r = 1/6 ओम, यानी 6r, तो ये 1/6r + 1/6r + 1/6r + r, सॉरी इसको बात निकल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम ले लेंगे 3/6r, 1/r = आर बराबर हो जाएगा आपका, r = हो जाएगा आपका 6r/3, r = 2r, तो यहां से हम क्या करें ये जोड़ दें, इसको मान लें हम r1, तो ये हमको r1 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा r = r1 प्लस दिस वैल्यू r2 मान लें, r = 2r + r = 3r, ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा ए और वी पॉइंट के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ ये तीनों रेजिस्टेंस आपको किस तरह से कनेक्टेड लग रहे हैं, देखिए ए बी पॉइंट वाले, ये बी है आपका, ये क्या आपका ए, ये ए है, ये तीनों पॉइंट देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहला किससे जुड़ा है, पहला सीधे सीधे कनेक्टेड है, दूसरा कहाँ है, ये दोनों पॉइंट क्या है इससे कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या होगा ये और ये तीनों पॉइंट एक साथ कनेक्टेड है, तो ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, तो देखिए अब इसको कनेक्ट कर दें, ये दिस ये, तो ये क्या हो गया आपका पैरेलल पोजीशन। तो यानी इस तरीके के अगर आपको सर्किट गिवन होगा तो वो सर्किट कैसा होगा पैरेलल होगा, तो 2r, 2r और 2r, इसकी वैल्यू निकाल लें हम, 1/r = 1/2r + 1/2r + 1/2r, वैल्यू फाइंड कर लें, वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपकी, सारी वैल्यू को हम जोड़ दें, ये जाएगा एलसीएम आ जाएगा आपका 2r 1 + 1 + 1, 1/r = 3/2r, r = 3/2r, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको r डैश मान ले, वहां पर भी r दे रखा है, तो ये क्या हो गया इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन का जो डायग्राम है लगभग लगभग पिछले क्वेश्चन के डायग्राम की तरह ही है, लेकिन इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में क्या, ये क्या आपका कॉमन पॉइंट है, यहाँ से भी यानी ए से भी कॉमन है और बी से भी कॉमन है, तो ये देखिए ये सिचुएशन है, यहाँ से ये क्या है, ये अगर आप इसको एक्सपेंशन करेंगे तो ये रेजिस्टेंस दिस 2 ओम और 2 ओम एक पॉइंट से जुड़ गए,
ये क्या है, यहां बन गया ए, यहां से एक रेजिस्टेंस ये जुड़ गया, तो ये आपका ये दिस रेजिस्टेंस, ये क्या कॉमन, इधर से भी क्या ये कॉमन, ये जुड़ गया है, ये क्या बन गया आपका बी, तो ये 2 ओम, ये क्या आपका 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम। इस डायग्राम को देखने से क्लियर है कि ये डायग्राम व्यूट स्टोन ब्रिज का है। जब व्यूट स्टोन ब्रिज बैलेंस पोजीशन में होता है, उस कंडीशन में इस आर्म में करंट फ्लो नहीं होगी, बैलेंस होगा, तब उस कंडीशन में इस रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट में काउंट नहीं करेंगे। इसलिए अब हमारे पास दिस और दिस रेजिस्टेंस के बीच हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, ये दोनों आपस में क्या हो गए सीरीज में, आर वन बराबर 2 ओम प्लस 2 ओम यानी 4 ओम, आर टू इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 4 ओम, तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे दोनों सीरीज है, तो ये क्या बन जाएंगे पैरेलल, तो 1 अपॉन आर वन 1 अपॉन आर टू, 1 अपॉन 2 ओम प्लस 1 अपॉन 2 ओम, तो ये हो जाएगा 4 ओम, तो 1 प्लस 1 यानी कि 4 ओम अपॉन 2 यानी कि 2 ओम आर बराबर, ये क्या हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड हो गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी गिवन डायग्राम हो उस डायग्राम को हम इस फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास 2 डायग्राम है, इन डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ए और बी, यहां पर ए और बी के बीच हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, ये क्या ए पॉइंट है, इस ए से ये रेजिस्टेंस भी क्या है जुड़ा हुआ, इसको बाहर करिए, जब बाहर करेंगे तो ये पॉइंट खिंच के आएगा इधर को, तो ये बी पॉइंट किधर पहुंचेगा खिंच के उधर, तो ये होगा इसकी स्थिति, ये दिस दिस और दिस, ये हो जाएगा आपका 10 ओम, ये आपका 10 ओम, ये आपका 10 ओम, ये आपका 10 ओम। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। देखिए अब क्या हो गया, इसको जब बाहर को लाए तो ये पॉइंट का ए पॉइंट निकल के कहाँ गया ये, और जब ये निकल के आया तो ये बी पॉइंट कहाँ पहुंच गया ये। इस कंडीशन में इस सर्किट का या इस डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये सारे रेजिस्टेंस क्या है पैरेलल पोजीशन में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू वन अपॉन में आर थ्री और 1 अपॉन आर फोर। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, 1 अपॉन आर या आर इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 यानी कि आर इज इक्वल टू 22.5 ओम। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का। बच्चों आपका कोई भी न्यूमेरिकल यदि है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें
जिसके कारण आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब हम इस न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करेंगे। इस न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या, देखिए ए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को जब इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्या है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, दिस पॉइंट यानी ये पॉइंट आपका क्या हो गया, यहाँ से आपका ए ये कंडीशन हो गई यहाँ से और दिस ये। अब ये क्या है, दोनों से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके से ए और बी के बीच रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है, 8R, 4R और आपका 12R। पहले इसका फाइंड करें, दोनों पैरेलल में 1/8R, 1/8R, तो ये हो जाएगा R1 = 4R। तो ये कितना है 4R, R2 बराबर हो जाएगा 4R + 4R, R2 बराबर हो जाएगा आपका 8R। अब ये 8R होने के बाद ये हम यहाँ से रफ करेंगे तो ये 8R इस पोजीशन में आ जाएगा, यहाँ 8R आ गया, ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, यानी कि 1/8R + 1/12R, 1/R = LCM ले लें, 24R, 3+2 यानी कि 1/R, 5/24R, 1/R, R बराबर हो जाएगा 24/5R। तो इसको भाग कर लेंगे, भाग करने के बाद हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी R की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, R = 4.8 ओम। ये हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल थे। अगली वीडियो में हम आपको और न्यूमेरिकल लेके आएंगे जो IIT मैन और नीट से रिलेटेड हैं।